हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अतीश और आपके लिए लेकर आया हूं नई वीडियो। तो गाइस, आज की वीडियो ना कुछ अलग होने वाली है। आज कोई रिव्यू नहीं है, ओनरशिप एक्सपीरियंस नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आज हम क्या करने वाले हैं, आप देख ही पा रहे होंगे, आज हमें अपनी सेल्टॉस में AKA मॉन्स्टर GT, वो भी क्यों है, क्योंकि हमारी गाड़ी जो है वो स्टेज 1 ट्यून्ड है बाई Code 6। तो गाइस, हमने जब ट्यून कराई थी हमारी कार, तो हमारी गाड़ी बहुत रिसेंटली सर्विस हुई थी और उस टाइम पे जो गाड़ी के किलोमीटर्स थे डैट वॉज अराउंड 27,000। मतलब एग्जैक्टली 27,000 नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। एंड अगर आज आप देख पाओगे तो हमारी गाड़ी चल चुकी 32,000। एंड मेरे को ये पता चला है अभी रिसेंटली, क्वाइट फ्रैंकली, कि जो किया की सर्विस होती है उसमें जो वो इंजन ऑयल चेंज करते हैं, अनलेस और अनटिल यू टेल देम कि हमें फुली सिंथेटिक ऑयल ही चाहिए, दे पुट इन द सेमी सिंथेटिक ऑयल। एंड ट्यून कराने के बाद एक बहुत बड़ी चीज़ जो हमें ध्यान रखनी होती है, डैट इज़ कि हमारी जो कार है उसके अंदर फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ही डाला जाए। तो आई एम नॉट श्योर कि मेरी गाड़ी में फुली सिंथेटिक है या सेमी सिंथेटिक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि उन्होंने गलत डाल दिया, मैंने बोला नहीं, क्योंकि देखो मैंने बोला भी नहीं था, उन्होंने पूछा भी नहीं था। अगर वो मेरे से पूछते तो ऑब्वियसली मैं उन्हें फुली सिंथेटिक इंजन ऑयल ही बोलता डालने को, बट क्योंकि उन्होंने नहीं पूछा और मुझे यही लगा था कि भाई फुली सिंथेटिक ही डालते होंगे, सेमी सिंथेटिक क्यों डालेगा कोई, और अगर डालेगा तो मतलब अगर कुछ ऐसा ऑप्शन होगा तो वो हमसे पूछ लेंगे। तो मोस्ट प्रोबेबली इसके अंदर सेमी सिंथेटिक होगा ऐसा मुझे लग रहा है, क्योंकि मैंने एक दो और अपने जो जानकार हैं उनसे पूछा जिनके पास कैरेंज टर्बो है, तो वो यही बता रहे थे। और कैरेंज टर्बो और ये वाली जो सेल्टॉस है उनकी कैरेंज अभी वाली नहीं है, 1.5 नहीं है, 1.4 है। तो सेम इंजन है, सेम ट्रांसमिशन है, तो उनमें वो बता रहे थे कि उनका सेमी सिंथेटिक ऑयल डला है। तो मेरे को भी फिर ये लगा कि यार अगर सेमी सिंथेटिक ऑयल हुआ तो ट्यून कराने के बाद तो फुली सिंथेटिक डलवाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आप एक तरीके से इंजन पे नॉर्मल जो उनके नॉर्म्स थे उससे ज़्यादा हल्का सा पावर प्रोड्यूस कर रहे हो, तो यू शुड ऑल्सो टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ द सेम। जब वो आपको एक्स्ट्रा पावर प्रोड्यूस करके दे रहा है तो कहीं ना कहीं आपको उसकी एक्स्ट्रा केयर भी करनी चाहिए। तो आज हम क्या जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इंजन ऑयल लेने। मेरे को बहुत लोगों ने अलग अलग ब्रांड्स रिकमेंड करे हैं, जैसे शेल, लिक्वी मॉली, मोबिल, कुछ तो कैस्ट्रोल भी कह रहे हैं, एंड किया वाले तो सर्वो कहते हैं। तो गाइस भाई ये अभी चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं हमें कौन सा पसंद आता है। मोस्ट प्रोबेबली जो भी सबसे बढ़िया होगा, मेरा मन तो लिक्विड मॉली का काफ़ी ज़्यादा है, बाकी देखते हैं। शेल का भी मैंने बहुत नाम सुना है कि अच्छा होता है, बाकी हम वहाँ चलते हैं फिर पूछते हैं, पता करते हैं और कितने का आता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। हम कौन सा ग्रेड डलवाएंगे वो भी हम देख लेंगे। एंड देखो, अपनी जो भी कार एंथूजियास्ट होगा उसको अपनी गाड़ी से प्यार तो होगा ही, तो वो यही चाहेगा कि दो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस पार्ट्स हो वो सब हो जाए। बाकी एयर फिल्टर मैं गाड़ी का चेक करवा लूँगा, एंड अगर मेरे को एयर फिल्टर चेंज कराने की नीड लगी तो मैं एयर फिल्टर भी चेंज आपका करवा लूँगा, एंड उसका भी अपडेट दे देंगे। वरना वैसे मेरा मन है अगर अभी एयर फिल्टर चलता होगा तो जो परफॉर्मेंस एयर फिल्टर आता है KNN का, इधर कॉनिकल या फिर स्टॉक रिप्लेसमेंट, हम उसकी तरफ जाएंगे। तो आगे चलते हैं, एक बारी दुकान पर चलते हैं हम इंजन ऑयल वाली, और फिर पता करते हैं कि हमें कौन सा इंजन ऑयल लेना चाहिए। तो गाइस, क्विक अपडेट, हमने जो इंजन ऑयल है वो ले लिया है, एंड दैट इज़ द शेल हेलिक्स अल्ट्रा। तो शेल की तरफ मैं क्यों गया, क्योंकि देखो लिक्विड मॉली ऑफलाइन अवेलेबल नहीं था इतनी आसानी से, उसके लिए आपको ऑनलाइन ही ढूंढना पड़ेगा। ऑन द स्प्लिट साइड जो शेल वाला है या बाकी सारे हैं ये आपको मिल जाते हैं, मोबिल का भी मिल रहा था, बट फिर सबने वहाँ पर यही रिकमेंड करा कि जो शेल का है वो यहाँ पर नहीं बनता, इंडिया में मेड नहीं है, वो इम्पोर्टेड होता है पूरा, बाहर से आता है। एंड जो आप लिक्विड मॉली में क्वालिटी चाह रहे हो वैसी ही सेम या उससे बेटर आपको शेल में मिल जाएगी। तो फिर मैंने भी यही सोचा कि अगर मिल जाएगी और मेरे को ऑफलाइन स्टोर से मिल जाता है और वो मेरे जानकार भी थे जिनके थ्रू मैंने लिया है, तो वाई शुड आई नॉट गो फॉर शेल ओनली। लिक्विड मॉली मेरे को ढूंढना ही पड़ेगा, ऑनलाइन का आजकल पता भी नहीं है कि असली हो या फेक हो। तो अब हम शेल का ले आए हैं, एयर फिल्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लगी, हमारा गंदा ही था तो वो नॉर्मल हवा से लग के ठीक हो जाएगा। तो गाइस हम आ गए हमारे लोकल मैकेनिक भैया के पास, उन्होंने एयर फिल्टर मेरे को दिखा दिया, एयर फिल्टर थोड़ा सा ही गंदा है, वो हवा मार के चल जाएगा, जैसे मैंने सोचा था वैसे ही हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी एयर फिल्टर तो यही चला रहे हैं, इवन तो मैं नया वाला ले सकता था, 200-300 रुपए का ही होता है, ज़्यादा कुछ होता नहीं महंगा, बट हम जाएंगे परफॉर्मेंस एयर फिल्टर के लिए KNN के लिए। तो अगर तो इसमें कॉनिकल चल गया, डैट मीन्स कि अगर इसका जो है माफ सेंसर वगैरह अगर इससे दिक्कत नहीं आई, कोई एरर लाइट नहीं आई, तो हम कॉनिकल एयर फिल्टर KNN का लगा लेंगे, क्योंकि वी विल गेट द इनटेक साउंड एज वेल, एंड परफॉर्मेंस में भी कहीं ना कहीं जो हमारा स्टॉक रिप्लेसमेंट से बेटर होता है कॉनिकल एयर फिल्टर, क्योंकि उसका जो सक्शन होता है एयर का वो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है। बट हम इंजन ऑयल अभी स्वैप करा ही रहे हैं, गाड़ी हमारी लिफ्ट हो चुकी है, जैक पे है अभी, आप देख पाओगे। अभी इंजन ऑयल जब डलेगा तब भी मैं आपको दिखा दूंगा,
अदरवाइज अगर मैं जैसे आपको ग्रेड वगैरह बता रहा था कि मैं कौन सा इंजन ऑयल ऑप्ट कर रहा हूँ, तो मैंने आपको एक बार पहले वैसे दिखा तो दिया था, बट हम अगर बिल्कुल एग्जैक्टली देखें तो ये है शेल हेलिक्स अल्ट्रा 5W40 फुली सिंथेटिक मोटर ऑयल डीजल एंड गैसोलीन इंजन। मतलब ये जो अल्ट्रा वाला है ये आपका नॉर्मल वाले शेल से बेटर होता है, एंड उसी के साथ 5W40 ग्रेड भी हमने अपग्रेड कर दिया और ये कार्बन न्यूट्रल है, मतलब जो पॉल्यूशन फैलाती है गाड़ी उसमें भी आपको हेल्प करता है और कम से कम एमिशंस निकालता है सर। भैया जा रहे हैं हमारे नीचे, तस्ला उन्होंने रख लिया है, पुराना इंजन ऑयल को ड्रेन करेंगे पहले वो। देख पाओगे जो हमारा इंजन ऑयल है वो सारा ड्रेन हो गया। इंजन ऑयल खराब हो गया था भैया, बच्चा था उसका, ऑयल फिल्टर नहीं लिया था भैया। नहीं ऑयल फिल्टर नहीं लिया, जरूरत है ऑयल फिल्टर साथ में चेंज करना चाहिए। अच्छा ऑयल फिल्टर कितने का है? एक बार ही पूछ लो, अगर यहाँ पे रखा हो किसी बार तो वहाँ से मंगा लेते। तो गाइस क्विक अपडेट, भैया ने हमें सजेस्ट करा है कि आप जब इंजन ऑयल चेंज करा रहे हो ना तो उसका ऑयल फिल्टर भी चेंज करा लिया करो। उससे क्या होता है कि आपका जो पुराना ऑयल का जो भी मतलब डर्ट वगैरह थे, पार्टिकल्स थे, वो जो फिल्टर कर देते ऑयल फिल्टर, तो वो इसके अंदर अलग से रख जाते हैं। तो जब आप नया इंजन ऑयल रन करोगे तो वही सब पार्टिकल्स डर्ट वगैरह उस इंजन ऑयल में भी चलेगी, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो डली जाएगी, तो आपका जो इंजन ऑयल की लाइफ है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। तो इट्स बेटर कि आप ऑयल फिल्टर चेंज करा लो। और ये जो ऑयल फिल्टर की कॉस्ट है देखो 175 रुपीज़ का ही ऑयल फिल्टर है, तो जब आप इंजन ऑयल पूरा चेंज करा ही रहे हो, हज़ारों रुपये लगा रहे हो, तो फिर 175 रुपये में भी आपको नहीं रोकना चाहिए अपने आप को और ये चेंज कर लेना चाहिए। इससे क्या आपका इंजन ऑयल की लाइफ कहीं ना कहीं बेटर हो जाएगी। तो आगे चलते हैं, अब भैया ने ऑयल फिल्टर चेंज कर दिया है और मेरे को नई चीज़ जो पता चली कि जो Hyundai Creta है, सेल्टॉस है, उन दोनों में तो सेम चलता ही था ऑयल फिल्टर, बट ऑन द स्प्लिट साइड जो वेन्यू है उसके अंदर भी बिल्कुल सेम ऑयल फिल्टर यही वाला डलता है। तो क्योंकि हमारी पेट्रोल है तो 175 का ही आया है, बट अगर हमारी गाड़ी डीजल वाली होती तो उसका 450-450 रुपये का ऑयल फिल्टर होता, मतलब ऑन द एक्सपेंसिव साइड होता। तो वह जैसा आप देख सकते हो जो हमारा पुराना इंजन ऑयल था वो बिल्कुल निकल गया, बिल्कुल ब्लैक कलर का निकला। भैया जी एक बात बताओ, जो ये वाला इंजन ऑयल निकला है बिल्कुल ख़राब हो गया था या थोड़ा बहुत बचा था? बिल्कुल ख़राब है ये, मतलब सिंथेटिक जो वो कहते हैं किया वगैरह वाले, तो सिंथेटिक था या जैसे आपको तो पता चल जाता होगा छूने से? तो ये 5,000 किलोमीटर में वरना ख़राब होता नहीं भैया। तो अब हम वापस स्वैप तो करा ही रहे हैं क्योंकि ज़रूरत तो है ही, अगर भैया कह रहे हैं 5,000 पे इतनी जल्दी ख़राब हो गया तो सिंथेटिक तो ये नहीं ही था, तो हमारा ये फुली सिंथेटिक अब तो हम बिल्कुल श्योर है। पहले मैं अनश्योर था थोड़ा, वो भी देख लेते हैं डलवा के। अब लाना तो आधा लीटर मिलता होगा खुला, इसका आधा लीटर मिल जाएगा जैसे 4.2 डलता हो तो जरूरत नहीं होती भैया, नहीं होती चल जाता है इतना। कितनी चलाते हो डीजल है उसमें 5 लीटर? हाँ अच्छा इसमें इतना दिक्कत नहीं आएगी, अगर 200 ml कम भी है तो। अपना नया वाला इंजन ऑयल डल ही रहा है, कलर में फ़र्क देखो, उसका कलर देखो आप और जो हमारा जो निकला था, दोनों के कलर में बहुत फ़र्क है। ठीक था ये वाला? नहीं पानी हो रहा है, पानी हो रहा है बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा हाँ वही है सेमी सिंथेटिक वाला, 5,000 की लाइफ बोलते हैं वो, 5,000 चल गई उसके बाद वही पानी पानी हो गया वो थोड़ा। चलाते कितने दिन में? ज़्यादा रनिंग तो नहीं है भाजी, दिन की मान लो 50 किलोमीटर से बस उससे ज़्यादा नहीं। अब इसका वो पता करते हैं, अगर 1 लीटर की पैकिंग मिल जाए तो 200 ml और डाल देना, वो रखा रहेगा, ख़राब तो नहीं होता? नहीं ख़राब नहीं होता, नहीं होता ना, कुछ नहीं होता। 1 लीटर में तो मिल जाएगा वैसे, है ना, मिल जाएगा ना, वो ले लेते हैं। तो गाइस इंजन ऑयल स्वैप होने के बाद पहला स्टार्ट हमने कर लिया। नहीं नहीं लॉक नहीं होगी, लॉक नहीं।
इंजन ऑयल हो गया हमारा स्वैप, उसके बाद पहली बार हमने स्टार्ट भी कर लिया भैया, बस लास्ट के फाइनल चेक्स कर रहे हैं नीचे। तीन साल तो इस नया इंजन ऑयल डल चुका है फुली, हमने चेक भी कर लिया, भैया ने कर भी दिया। भैया जी ये बताओ, जैसे अब इंजन ऑयल चेंज हो गया तो क्या क्या फर्क देखने को मिलेगा? इंजन में स्मूथनेस आएगी बढ़िया। अच्छा, स्मूथ हो जाएगा, ठीक है। और एवरेज भी सही देगी। अच्छा, और पिकअप वगैरह में भी फर्क आता है? सेम रहता है, पिकअप में फर्क पड़ता है। अच्छा, तो वही है। अच्छा हाँ, वो भैया कह रहे हैं ना स्मूथ चलेगी तो आवाज़ कम करेगी फिर। तो ये सारे फर्क हमें मिल जाएंगे, अभी हम बाकी अपनी टेस्टिंग करते हैं और देखते हैं अगर मेरे को कोई नोटिसेबल फर्क लगता है, बाकी वरना ड्रैग रेस में हमें परफॉर्मेंस का भी पूरा पूरा फर्क पता चल जाएगा। तो गाइस देख ही लिया आपने वीडियो में कि हमारा इंजन ऑयल पूरा स्वैप हो चुका है, बट पर्सनली मैं बताऊँ तो मेरे को अभी गाड़ी हल्की स्मूथ तो लग रही है। पता नहीं गाइस ये वहम भी हो सकता है जो क्लेम करते हैं वो लोग, जैसे मैकेनिक्स या कंपनीज जो भी सारे जो एक्सपर्ट्स होते हैं, वो तो ये कहते हैं कि आपकी स्मूथनेस में रिफाइनमेंट में काफ़ी ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, जो इंजन की नॉर्मल नॉइज़ होती है वो भी कम हो जाती है। एंड पर्सनली देखो पेट्रोल इंजन है तो ऑब्वियसली वैसी गाड़ी बहुत ज़्यादा शांत और रिफाइंड होती है, एंड जो 1.4 टर्बो है काफ़ी रिफाइंड है भी। तो पर्सनली मैंने अभी थोड़ा सा ड्राइव करा है एंड कार मेरे को थोड़ी सी एक्स्ट्रा रिफाइंड लग रही है, बट मैं पूरा श्योरिटी से इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि पहले भी बहुत ज़्यादा रिफाइंड थी, तो कहीं ये ना हो कि मेरे को वहम हो रहा हो और मैं ऐसी फालतू में तारीफ़ कर दूँ, बट स्टिल मेरे को पर्सनली सही लग रहा है अभी। बाकी जो हम अगर बात करें परफॉर्मेंस की, कि अगर जो ये शेल का इंजन ऑयल से कुछ परफॉर्मेंस पे फ़र्क पड़ता है तो वो मैं आपको बताऊँगा ड्रैग रेस करने के बाद। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून टू द चैनल, मोस्ट प्रोबेबली हम बहुत जल्दी इसकी ड्रैग रेस करने वाले हैं, तो उसके बाद हम देखते हैं भाई कितना फ़र्क है, क्या फ़र्क है, रिजल्ट्स में कुछ चेंज आता है नहीं आता। अगर रिजल्ट्स में चेंज नहीं भी आता तो क्या मेरे को फील होता है कोई भी आपका प्रीमियम इंजन ऑयल डलवाने का फ़ायदा? तो गाइस ये थी कुछ वीडियो, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कॉमेंट ऑन द चैनल। हम मिलेंगे फिर से एक और नई वीडियो के साथ, थैंक यू सो मच।